और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नोलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत है क्या? एसटी एससी ओबीसी दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रख। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नोलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत है क्या? एसटी एससी ओबीसी दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रख।